एक वीडियो मैंने डाला था एक्सपेंसेस एंड फीसेज ऑफ पीएचडी, जो प्राइवेट एंड कॉमन यूनिवर्सिटी है इनकी फीस और बाकी के एक्सपेंसेस और आपकी टेंशन में बड़ा फर्क है, उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है, डिफरेंस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच हैज मोर वैल्यू, इसको समझ लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है प्राइवेट है। अगर आप वैल्यू का मतलब रिकग्निशन से लेते हो वो तो सेम होगी, अगर यूजीसी की रेगुलेशन जो है उसके गाइडलाइंस या नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया है, बेशक प्राइवेट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वैल्यू सेम होगी। अब दूसरा वैल्यू का मतलब क्या है, यहां वैल्यू लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन पूछा है वैल्यू का और ये आप रहे, ठीक है, आप वैल्यू कहां इसकी डालना चाहोगे, मेरे ख्याल में जॉब में जहां तो एंट्री करनी है आपने और जहां प्रमोशन करनी है, अपवर्ड जाना है। और दूसरा डिसीजन आपका क्या होगा कि आपने जॉब जो है गवर्नमेंट कॉलेज जहां गवर्नमेंट से एफिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट जहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करनी है जहां आपने प्राइवेट में करनी है। उसका पहला फैक्टर ये है कि फैक्टर नंबर वन के हमेशा ही अपने शख्स को इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक से की है पीएचडी और उसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए जहां उसके किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो, तो नेचुरली है कि अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं। नंबर दो, मान लीजिए किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहां पर आपको प्रेफरेबली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा बजाय के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। कारण ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ये जब पैनल होता है पीएचडी में एक रिसर्च पैनल बैठता है, मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास प्रोफेसर्स की कमी रहती है और वो दूसरी यूनिवर्सिटी से इनवाइट करते हैं कि उनका रिसर्च प्रपोजल सिलेक्ट कर दीजिए, उनका वाइवा लीजिए वगैरह वगैरह, तो वो मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बुलाते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हालत भी पता होती है क्योंकि जब इन्होंने अपने एम्प्लॉई रखने हैं नेचुरली है कि बेटर एम्प्लॉई जिसको नॉलेज और कॉम्पिटेंसी जिसकी ज्यादा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये प्रैक्टिस से बता रहा हूं मैं, जो हो रहा है एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं। तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए उनको इनकी हालत पता है, दूसरा बायसनेस होती है कि अपने यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट की तरफ, तो दैट इज वाई तब वो गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट ही प्रेफर करती है। तीसरा कारण जो है एक कारण और कि जो गवर्नमेंट में पीएचडी करते हैं वो रिलेटिवली हाई कॉम्पिटेंट होते हैं, हाई नॉलेजेबल होते हैं। कारण ये है जिनको गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती वो प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं, जहां जिन्होंने प्राइवेट जो कोर्स है प्री पीएचडी कोर्स है वो गवर्नमेंट में नहीं लगा पाते इसलिए वो जाते हैं। आप खुद देख लीजिए फीस का डिफरेंस इतना है, 6-7 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बन जाती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़ा के भी आपको 50,000 से 1 लाख तक या 1.25 लाख तक बनती होगी, है ना, वेरिएशन होती है। नेचुरली है कि गवर्नमेंट को ही प्रेफर करेंगे और जिनके पास मेरिट पोजिशन है, एंट्रेंस टेस्ट है, यूजीसी नेट है या हायर रैंक है वो गवर्नमेंट में जाएंगे। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट में रिलेटिवली कॉम्पिटेंट पर्सन जाते हैं, दैट इज व्हाई पैनल में जब इंटरव्यू होती है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को ज्यादा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की हुई पीएचडी वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मेरी अपनी ही स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक पोस्ट निकली, उन्होंने अप्लाई किया एजुकेशन की पोस्ट के लिए, मेरे से वो पीएचडी कर रहे हैं अभी, तो उसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 29 कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए आए हुए हैं उनमें से काफी जाने पीएचडी थे लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थे, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो ईमानदार लकड़हारे थे, उन्होंने प्रेफर किया कि कॉम्पिटेंट कौन है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की हुई पीएचडी वालों को सबसे पहले निकाल दिया। अब वहां रिकग्निशन है लेकिन जब इंटरव्यू लेनी है तब एक बायसनेस है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी
की हालत कैसी है, वहाँ पीएचडी कैसे होती है और उनका क्वालिटी लेवल क्या है। दैट इज वाई उस इंटरव्यू में मान लीजिए 25% मार्क्स हैं तो बायसनेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट की तरफ रख ली, तो वैल्यू नेचुरली है कि गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। अगले एस्पेक्ट दे भी हैं कि रिलेटिवली टाइम फैक्टर अगर आपने लिखना है, टाइम ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा लगता है पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि गाइड जो हैं नॉर्मली शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी या बेटर जहां जॉब मिलती है, तो गवर्नमेंट में तो परमानेंट बैठे हुए हैं, वो शिफ्ट नहीं होता, तो यहाँ पर दैट इज वाई आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्राइवेट में गाइडेंस की कमी रहती है नॉर्मली। अभी तक मैंने प्रैक्टिस जो देखी है एवरेज और लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इवन हाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी, कि उनके इम्प्लॉयज ही ज्यादा पीएचडी वहां से कंप्लीट कर रहे हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ पीएचडीज भी आप देखिए तो रिलेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम हो रही है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आसान कैसे बन जाती है कि ये वाइबा वगैरह जो है वहां से करवा देते हैं जहां आपका थीसिस एक्सेप्ट हो जाए। मैं कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी का थीसिस की इवैल्यूएशन कर चुका हूं, लेकिन वेरी सॉरी कि मुझे रिजेक्शन के करीब लिखना पड़ता है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज तो नहीं है, मान लीजिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब अगर जाते हो तो उन्होंने दो तीन फैक्टर जो कॉमन है प्राइवेटाइजेशन के कॉमन है। नंबर एक, उन्होंने स्किल्ड पर्सन को प्रेफर करना है जो काम ज्यादा कर सके। ठीक, नेचुरली आज भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा काम ले रही हैं, ये सच है। दूसरा, नॉलेजिएबल पर्सन लेंगे, नेचुरली हाई मेरिट वाले प्रेफर करेंगे। और तीसरा है, जो सैलरी जो है, स्केल जो है, वो लो पर बार्गेनिंग होती है, लो पर मान जाए वहां वैल्यू की वो होती है। अगर आप कॉम्पिटेंट हो, नॉलेजिएबल हो, तो आपकी सैलरी भी जो है आप ज्यादा ले सकते हो, साबित करना पड़ता है। फिर एक पीएचडी की स्टूडेंट की, वो जो कॉलेज में लगभग 25-8 के करीब ले रहे थे, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है वो 55 आराम से उनको मिल गया। अब अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हो तो नेचुरली आपकी वर्कलोड जो है प्राइवेट में ज्यादा होगा, गवर्नमेंट में वर्कलोड कम होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है जॉब्स अवेलेबल ज्यादा प्राइवेट में ज्यादा होंगी और गवर्नमेंट में कम होंगी, गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आपकी वैल्यू जो पब्लिकेशन से बहुत जुड़ी हुई है, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में जो वैलिड हैं, है ना, स्कूपस जर्नल में, रेफरीड जर्नल में, इंडेक्स जर्नल में कितनी पब्लिकेशन आपकी है, केयर लिस्ट में जो दिए गए हैं जर्नल उनमें कितनी पब्लिकेशन हुई है, उससे वैल्यू आपकी ज़्यादा बढ़ेगी।